अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं आटो कैड में लेसन नंबर 14। आज के इस लेसन में हम देखेंगे रेक्टेंगल क्या होता है और वाइप आउट क्या होता है और ये दोनों ड्रॉ किस तरह होते हैं, इनकी शॉर्ट कमांड्स क्या हैं। इस लेसन के लिए हम देखते हैं जी, आज हम देखेंगे हाउ टू इंसर्ट रेक्टेंगल इन ऑटो कैड, रेक्टेंगल फार्मूला क्या होता है, फुल डिस्क्रिप्शन अबाउट रेक्टेंगल, हाउ टू इंसर्ट वाइप आउट शेप, पर्पज ऑफ वाइप आउट शेप। तो इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करूंगा। सबसे पहले मैं देखता हूँ यूनिट्स मेरी सेट हैं कि नहीं। ओके, यूनिट सेट है। तो आज हम देखते हैं जी रेक्टेंगल कमांड क्या होती है। तो आपके पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल कमांड दी हुई है, रेक्टेंगल क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको कहता है जी स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, क्लिक करें फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट पे। फिर नेक्स्ट क्लिक जाए तो कह रहा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट्स, और के बाद एरिया डायमेंशन भी कह रहा है कि आपने कितनी एरिया डायमेंशन देनी है या फिर रोटेशन देनी है। तो आप यहाँ से एरिया डायमेंशन के लिए आप ए प्रेस करें, एरिया आ जाएगा, डायमेंशन आ जाएगी। ए के लिए मैं ए प्रेस करता हूँ, देखते हैं। एरिया देता हूँ, स्क्वायर एरिया में देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 50, एंटर। लेंथ एरिया अब आ गया। आप कह रहे हैं कैलकुलेट रेक्टेंगल डायमेंशन बेस्ड ऑन लेंथ पे हो या विड्थ पे हो, तो मैं लेंथ के लिए एल प्रेस करता हूँ, एंटर करता हूँ और लेंथ में इसको देता हूँ 10 फुट। अब देखें ये एक एरिया भी आ गया और 10 फुट हमारे पास लेंथ में, देखिए हमारे पास ये भी आ गया। तो ये एक सिंपल से मेथड है कि मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। तो रेक्टेंगल की जो शार्ट कमांड है वो है आर ई सी, रेक्टेंगल आर ई सी। और आप देखिए फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। दूसरा रेक्टेंगल का तरीका, आप ड्रॉ में जाएं तो यहाँ पे भी आपके पास, यहाँ पे आपको रेक्टेंगल दिया होगा, रेक्टेंगल लिखा हो नज़र आ रहा होगा आपको, इससे भी आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जी रेक्टेंगल कमांड, रेक्टेंगल से रेक्टेंगल, स्क्वायर शेप, हर एक शेप आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो रेक्टेंगल की जो शॉर्ट कमांड है वो क्या है, उसके लिए मैं आपको नोट पैड में बताता हूँ। रेक्टेंगल की जो शॉर्ट कमांड है वो है, सबसे पहले आप एट जीरो डालेंगे, एट जीरो के बाद आपने इसकी हाइट और विड्थ देनी है। मैं आपको ड्रॉ करके पहले बताता हूँ, उसके बाद मैं इसको यहाँ पे कमांड दूंगा ताकि आप इजीली समझ जाओ। आर ई सी रेक्टेंगल दिया मैंने, क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट मैंने किया, एट द रेट 12 के बाद कामा 12 इंच आ जाएगा, आर यू सी एंटर, एट द रेट 12 फीट कामा 12 फीट, मैं इसको देता हूँ जी 5 फीट, एंटर करता हूँ और देखें 12 बाय 5 का हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। क्या कमांड है इसकी, सबसे पहले आपने आर ई सी एंटर करना है, फिर आपने एट जीरे डालना है, लेंथ एंड उसके बाद लेंथ के बाद कॉमा और वेट और फिर एंटर कर देना है। कैसे, एट जीरे डाला आपने, 12 फिट मैंने जो है इसको लेंथ दे दी, वेट्स इसकी मैं देता हूँ जी 6 फीट और एंटर कर देता हूँ। ये कमांड है बस रेक्टेंगल ड्रॉ करने की। कॉमा का सिंबल कहाँ पे है कीबोर्ड से, मैं आपको ये भी बताता हूँ, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे मैं आया, शिफ्ट को एट द रेट आपने डालना है, शिफ्ट को प्रेस करके आप 2 से एट द रेट डालोगे, कॉमा बस ये नजर आ रहा होगा आपको, ये कॉमा का सिंबल है, लेस देन का जो साइन है ये कॉमा का सिंबल है। तो ये था जी हमारे पास रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल ड्रॉ कैसे करते हैं। रेक्टेंगल को स्क्वायर की शेप देना चाहते हैं आप, स्क्वायर की शेप भी दे सकते हैं, आर ई सी एंटर, क्लिक एट द रेट ऑफ 5 फुट
कामा 5 फिट, एंटर करें तो आप देखें जेड स्पेस ए स्पेस करके देखें तो यहाँ पे आपको रेक्टेंगल स्क्वायर शेप में नज़र आ रहा होगा, देख सकते हैं। देखना चाह रहे हैं कि 5 फुट और 5 फुट का ही लगा है कि नहीं, तो उसके लिए आप डायमेंशन पे जाएं, डायमेंशन अलाइन या लीनियर जो भी डायमेंशन लेते हैं, पांच फुट पांच फुट देख सकते हैं। तो इसकी डायमेंशन भी आपके पास आ गई, तो इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं डिम स्केल दो फिट वैल्यू मैंने दे दी, और इसको आप अपडेट करना है डिम स्केल को, तो आप यहां से अपडेट करें, अपडेट हो गया, तो 5 बाय 5 के बस रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। तो ये था जी रेक्टेंगल किस तरह ड्रॉ होता है रेक्टेंगल कमांड। नेक्स्ट आपके पास जो था वाइप आउट, तो वाइप आउट ऑफ होम में जाएं, तो यहाँ पे आप देखें जरा रेक्टेंगल से, मैं आपको बताता हूँ कि देखें इसके साथ पॉलीगन और पॉलीगन हम कर चुके हैं। रेक्टेंगल के साथ इसकी और कमांड है एरिया है, डायमेंशन है, रोटेशन है। रोटेशन के लिए मैं आर प्रेस करता हूँ, देखिए रोटेट हो गया, आप जितना मर्जी जितना भी इसको रोटेट करना चाहें आप रोटेट कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। रोटेट करने के बाद आप स्पेसिफाई एंगल भी दे सकते हैं, रोटेशन के लिए मैं 45 एंगल देता हूँ, इसको एंटर करता हूँ तो 45 एंगल पे क्या हो गया, हम बस रोटेट हो गया। स्पेसिफाई एंड कॉर्नर कह रहे हैं कि एंड कॉर्नर कितना है, तो मैं यहाँ पे एंड कॉर्नर दे देता हूँ। या फिर आप डिस्टेंस के लिए, आप डिस्टेंस में देना चाहते हो तो आप रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, देखिए अब रोटेट हो रहा है सिंपल, अब दोबारा से रोटेट ही होता रहेगा, तो आप इसे आर प्रेस करें, एंगल 0 दे दें, अभी 0 एंगल पे वापस आ गए। अभी इसी एंगल में जा रहे हैं, फिर मैं रोटेशन आर करता हूँ और एंगल्स को 0 देता हूँ, अब देखें 0 आ गया वापस, तो ये दोबारा अपनी पोजीशन पे आ गया। अब कह रहा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट्स, तो वो मैं दे देता हूँ, इसको फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ जी 5 फुट के फासले पे आए, तो ये लास्ट कॉर्नर में आप 5 फुट के फासले पे आ गए, देख सकते हैं। तो ये था जी रोटेशन के लिए। फिर एक और कमांड देखता हूँ, आर ई सी रेक्टेंगल, नेक्स्ट डायमेंशन डी एंटर करें, डायमेंशन में कह रहा है स्पेसिफाई लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ में इसको देता हूँ 20 फीट लेंथ में देता हूँ, कह रहा है विड्थ कितनी देता हूँ 10 फुट विड्थ देता हूँ, एंटर करता हूँ 20 बाय 10 का बस रेक्टेंगल बन गया। डिलीट कर दिए, तो ये था रेक्टेंगल और रेक्टेंगल के मेथड ड्रॉ करने के। फिर दोबारा से आपको डायमेंशन का तरीका बताता हूँ, डायमेंशन के लिए डी प्रेस करेंगे आप नीचे देखिए अगर देखा करें कि आपके पास जो नीचे डॉट ये हमारे पास टूल बार, ये जो हमारे पास कमांड एरिया होता है, तो इसमें हर चीज़ दी हुई होती है। रेक्टेंगल क्लिक किया मैंने, एरिया मैंने पहले दिया था, एरिया के लिए ए प्रेस करता हूँ, एंटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर इंच, स्क्वायर इंचेस में आपने एरिया देना है, तो मैं इसको देता हूँ जी 150, लेंथ मैंने दे रहा हूँ इसकी लेंथ देता हूँ इसको जी मैं 100, विड्थ देना चाह रहे हैं विड्थ दे सकते हैं, विड्थ के लिए डब्ल्यू प्रेस करेंगे विड्थ आ जाएगी, और विड्थ में इसको देता हूँ जी 10 फिट, एंटर देखें विड्थ को 10 फिट दे दी और ये ऑटोमेटिकली इसने इसको ड्रॉ कर दिया। अगर आप लेंथ देना चाहें तो लेंथ के लिए एल प्रेस करेंगे तो ये लेंथ हमारे पास ले लेगा। नेक्स्ट है आपके पास ये रेक्टेंगल के बाद है वाइप आउट, एक टूल बार टूल है, तो वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है वाइप आउट टूल, तो ये वाइप आउट जो टूल है इसकी शॉर्ट की है ये यहीं पे है, और ये ड्रॉ बार में आई थिंक नहीं है, ड्रॉ में आप देखें हाँ ड्रॉ में भी है हमारे पास वाइप आउट। तो इसके लिए ये इस मतलब आपके जो ऑटोकैड 2015 है इस वर्जन में ये आया, इससे पहले जो हमने 2007 किया था उसमें वाइप आउट का ऑप्शन नहीं था, तो वाइप आउट की शॉर्ट कमांड देखते हैं।
WIP लिखेंगे तो वाइप आउट आपके पास सामने आ जाएगा। वाइप आउट लिया हमने, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आप दें, सॉरी मैंने क्लिक नहीं किया, पहले क्लिक करना स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट पे, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट पे मैंने क्लिक किया। आप कह रहे हैं स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट आप दें, फॉर एग्जांपल मैं 10 या 10 फुट देता हूँ, 10 फुट पे आ गया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट भी आपको देना पड़ेगा, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट 12, नेक्स्ट पॉइंट 20। तो देखिएगा जेड स्पेस स्पेस करता हूँ, एक ये वाइप आउट हमारे पास सामने बना हुआ आ गया। अब आप इसकी शेप कुछ अजीब सी है तो मैं इसे बिल्कुल स्ट्रेट देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आए। ड्रॉ वाइप आउट, देखें क्लिक फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दे दिया, फिर यहाँ पे दे दिया और नेक्स्ट यहाँ पे दे दिया, देखें तो ये वाइप आउट बन गया। फिर आप एंटर प्रेस कर दें तो यहाँ पर छोड़ देगा इसको। अब जितनी ज़्यादा इसको पॉइंट देते जाएंगे उतना ज़्यादा ये ड्रॉ होता जाएगा। दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, वाइप आउट क्लिक फर्स्ट पॉइंट, F8 प्रेस करता हूँ, वाइप आउट 10 फीट, एंटर, नीचे की तरफ आ जाएं, यहाँ पे देखें यहाँ पे आ जाएं, जिस अब जिस तरह के एंगल लेना चाह रहे हैं, 10 फीट एंटर, इस साइड पे आ जाएं, 10 फीट एंटर, सॉरी मैंने एंगल इसको बोला दे दिया था, WIP थोड़ा छोटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए, 2 फीट एंटर, ठीक है उस एंगल पे इसने दे दिया। अब मैं इसको इस एंगल में फॉर एग्जांपल करना चाह रहा हूँ, 2 फीट एंटर, अब इसको मैं इस एंगल में यहाँ पे नीचे लाना चाह रहा हूँ, 5 फीट एंटर, इस एंगल में यहाँ पे लेके जाना चाह रहा हूँ, 4 फीट एंटर, जितना ज़्यादा बढ़ाना चाहोगे आप बढ़ा सकते हो, 4 फीट एंटर, 2 फीट एंटर, एंटर, देखें एक ड्रॉ हो गया हमारे पास, वाइप आउट शेप बन गया। तो ये है वाइप आउट, इसको जितना ज़्यादा आप आगे लेके जाना चाहेंगे आप बढ़ा सकते हैं, आप माउस को अपना मूव करें और साथ में इसको डायमेंशन देते जाएं तो ये वाइप आउट काम करता जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको रेक्टेंगल टूल बार और वाइप आउट टूल बार की समझ आई होगी, इन दोनों टूल की समझ आई होगी, और आपको इससे पहले जितना मैंने काम करवाया आप उस पर प्रैक्टिस करते होंगे ताकि आप इजीली नेक्स्ट हम जब काम करेंगे, नेक्स्ट हम जब ड्राइंग्स बनाएंगे वो मॉडलिंग 3D मॉडलिंग की बनाएंगे या फिर 2D की ड्राइंग बनाएंगे तो तब आपको आसानी होगी अगर आप इन टूल्स को अच्छी तरह से समझ जाओगे। तो नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।